जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूँ। सो भाई तुम्हारा एग्जाम आ गया है, राइट? सो बेसिकली आपके जैसे जैसे आपका एग्जाम आ रहा है ना, आपके डाउट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। सो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जिससे आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो और तुम अपना बेस्ट दे पाओ, राइट? सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में ये है कि अब लास्ट टाइम पे भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस को लेके वो है कि सर ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, जीके नहीं हुआ, रीजनिंग नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ आपके माइंड में आ रही है। वॉट आई विल सजेस्ट कि भैया छोड़ो इसको, अब ये जो भी है इन सबको छोड़ दो। एग्ज़ाम के हिसाब से मैं बताऊं तो जितना रिवाइज कर सकते हो, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है जो तुम रिवाइज ना कर पाओ, क्योंकि वो माइंड में रहेगा नहीं। सो जो भी तुम्हें पढ़ना है, मतलब जो भी आपने पढ़ रखा ऑलरेडी, उसका आप प्रॉपर रिविजन करो। सेकेंड पॉइंट इज़ कि वहाँ पर जाके मैंने देखा है कि बहुत लोग स्ट्रेसफुल होते हैं। अब किस बात के लिए, ध्यान मेरी बात ध्यान सुनना, आप लोग एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, दिमाग नहीं लगाते कि शूज़ पहन के जाना है या स्लीपर में जाना है, पेन मांगा है कि नहीं मांगा है, आईडी कार्ड की नहीं। तो भैया इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले जो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन आए हैं उसको ढंग से पढ़ लेना, तमीज़ से पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, आपने रिविजन कर लिया, अब बात आती है आपके कॉन्फिडेंस की। मुझे क्या लगता है अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डेफिनेटली आपने तैयारी की है तो स्ट्रेस होगा, आपको एंग्जाइटी हो रही होगी कि भैया पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो आपने पढ़ा है तैयारी की है। आपको पता होगा एक तो प्लेटफॉर्म इतने कंटेंट इतना ज़्यादा है इंटरनेट पे कि लोग हर कोई कंफ्यूज हो सकता है। अब आपको बस ये करना है कि खुद पे बिलीफ रखना है कि भाई जो तुमने पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है। अब देखो इसमें भी ना दो चीज़ें हैं, पहला ये कि लोग कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं कि पेपर टफ आ गया। एक बात बस माइंड में रखना अपने कि अगर पेपर टफ आया है तो वो हर किसी के लिए आया होगा, और अगर ईजी आया है तो हर किसी के लिए आया होगा, कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी। लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी नेगेटिव मार्किंग। मैं हर बार गला फाड़ता हूँ, समझाता हूँ कि भैया आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, मतलब नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है। ध्यान रखो आप जैसे ही एक क्वेश्चन गलत करते हो, आपके सही मार्क्स जितने मार्क्स बनते हैं ओरिजिनल मार्क्स में से आपके एक नंबर कम हो जाता है, राइट? तो इस बात का ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में नेगेटिव मार्किंग कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी में, मतलब कि एग्जाम का प्रेशर ले लिया बच्चों, बाकी लोगों को देखा यार उसने 80 अटेम्प्ट किए, 90 अटेम्प्ट किए हैं। मेरा ये मानना है आज तक अपने एग्जाम्स में मैं 74-75 करते गए, मतलब इतना ही करके आता हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, और इतने में ही आराम से 200+ मेरे नंबर मार्क्स आते थे। तो भाई जितना करना उतना सही करना, जीके में रिस्क लेने की कोई नीड नहीं है, जितना किया सही किया। बात अब देखो मैथ्स है जी, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, इनको ना एक एक बार देख लेते हैं। मैथ्स का पोर्शन ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे प्लस माइनस ही करना है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर पाते हो, थोड़ी सी बैकग्राउंड वाइज को अवॉइड करना क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है यहाँ पे गंगा जी में, ठीक है? सो एक बात कि आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो टाइम के साथ ना मैथ इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे आता है रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है बहुत सारे टॉपिक है छोटे छोटे जो आपको पढ़ा रखा है। ध्यान देना जो भी जो आपकी मैराथन क्लासेस ले रखी हैं चाहो तो बस उनको रिवाइज करना, रीजनिंग में अपना स्कोर अच्छा करने की कोशिश करना। इसके बाद इंग्लिश पे आते हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पैसेज आपका जो PQR होता है संडेज अरेंजमेंट, आपका EDMs, आपका वन सब्स्टिट्यूशन, ये आपके फ्री के मार्क्स है जिनको आपको लेके जाना है। सेम गोज विथ योर GK वाला पार्ट कि भैया जो आएगा उसको आप करना है, जो नहीं आएगा उसको बेसिकली छोड़ देना है। अगर अच्छे तरीके से फॉलोअप करोगे तो ऑन टाइम एग्जाम खत्म हो जाएगा। बाकी टाइम लगता भी है किसी क्वेश्चन में, जो नहीं आया छोड़ दो, जो क्वेश्चन ना आया उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, बाद में आके रिवाइज कर लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को चाहे वो इजी वाला सॉल्व करोगे तभी 3 नंबर ही मिलेंगे, टफेस्ट सॉल्व कर लोगे तभी 3 नंबर मिलना है, ऐसा नहीं कि 5-10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। सो ठीक है, आई होप तुम्हें ये टिप वाली वीडियो अच्छी लगी हो एंड इसी अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी चीज़ें प्लान करनी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि भाई जाओ, मैं प्रे करूंगा महादेव से कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।